अस्सलाम वालेकुम। अभी हम हैं कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी साफ़ सुथरा एयरपोर्ट। इससे पहले मैं तुर्की एयरपोर्ट चला गया हूँ, ट्रांज़िट किया हमने, और उसके अलावा हमने किया था एम्स्टर्डम, तो वो इससे मिलते जुलते हैं। लेकिन ये जो है ये अभी तक विन कर रहा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत साफ़ सुथरा है। इसकी वजह ये भी है कि लास्ट ईयर यहाँ पे हमें वर्ल्ड कप हुआ था, शायद उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको रेनोवेट किया, काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए, काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं, आप अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। वहाँ सामने जो है वो सैमसंग की शॉप है, और इसके अलावा यहाँ पे ये ना टेलीविज़न एरिया बना हुआ है, यहाँ पे अंदर टीवी लगी हुई है, और साथ में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन बैठता कोई नहीं यहाँ पर, ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोने के लिए ही आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम में भी लोग जो हैं वो सोते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसी क्योंकि बंद है, पूरा एसी लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आपके पास कंबल है या चादर वगैरह है तो आप फिर सो सकते हैं अंदर। इसके अलावा इस तरफ जो है वो सीट्स वगैरह बनी हुई हैं, यहाँ पे भी आप आराम कर सकते हैं। हर जगह पर ना चार्जिंग पोर्ट्स लगे हुए हैं, इस तरह के स्लीपिंग टीवी एरियाज़ हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेस्ट करते हैं। और वहाँ उस तरफ जो हैं वो काफ़ी सारी शॉप्स हैं। ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन है, ये ट्रांसफ़र के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। और यहाँ पे देखें, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत साफ़ सुथरा, ये देखें कितना लंबा ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह के जो प्ले एरियाज़ हैं वो एयरपोर्ट पर मैंने अभी मैप देखे और काफ़ी जगह पर अवेलेबल है। अगर आप किसी और जगह पे जाते हैं, किसी और टर्मिनल पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के प्ले एरिया जो है ना वो अवेलेबल हैं। दानिया जो है वो तकरीबन 2 घंटे उसने नींद की है, नींद इंशाल्लाह पूरी होगी है। दानिया वहाँ पे जाना है, जीते पेन वहाँ पे जाते हैं जो। और इस तरह के एयरपोर्ट्स की जो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको ना स्ट्रॉलर मिल जाता है, इस तरह की ट्रॉली बच्चों के लिए मिल जाती है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है कि बच्चे अगर चलना नहीं चाहते तो आप उसको ट्रॉली में बिठा सकते हैं। और दानिया जो है ना इसने इस ट्रॉली के अंदर जो है ना वो 2 घंटे अपनी नींद पूरी की है। ट्रॉली ना होती तो इसने नहीं सोना था फिर। तो इसके अलावा ये छोटी ट्रॉली थी जहाँ पे आप अपने बैगेज वगैरह रख सकते हैं। अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं, तो भूख लगी है, खाना अच्छा खासा मिला था, खाना तो नहीं था, नाश्ता था जहाज़ में अच्छा खासा मिला था, लेकिन भूख लग चुकी है अभी 11 बजे, तो इसलिए अभी जाते हैं कुछ खाना वगैरह चेक करते हैं। यहाँ पे सामने देखेंगे गोल्ड की शॉप है, जितना गोल्ड आप लें। और इस तरफ जो है वाइफ कह रही है मोबाइल चेक करने, मैंने कहा चेक तो कर लेंगे। यहाँ पे देखें गाड़ियाँ भी हैं, दो ये रखी हुई हैं, पता नहीं कौन सा मॉडल है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। और एक गाड़ी ये रखी हुई है, अभी हम खाना ढूंढ रहे थे तो ये देखें इस तरफ इतना बड़ा ये इन्होंने बनाया हुआ है, टेडी बियर बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा है। और इस तरफ बहुत खूबसूरत ये इस तरफ की लोकेशन है, यहाँ पे गेट नंबर 1 है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी फ़्लाइट के हवाले से या कोई और चीज़ अगर आपको चाहिए हो। और इस तरफ गेट नंबर 2 है, इस तरफ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, परफ्यूम्स वगैरह हैं, और आगे लाउंज भी हैं जहाँ पर आप सो सकते हैं, स्लीपिंग लाउंज, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास बिज़नेस क्लास टिकट है तो फिर वो आपके लिए फ्री होता है। तो हमने जाना है वो सामने जहाँ पे वो खाना वगैरह है, तो आइए देखते हैं कि क्या हमें आज खाने में मिलता है। यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है ना, यहाँ पे जो बाथरूम्स हैं ना वो डिफरेंट हैं, लेडीज़ के लिए तो अलग है ही है, साथ में जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए होता है, स्पेशल पीपल के लिए, और साथ में पेरेंट्स रूम है जहाँ पर आप बच्चों को लेके जा सकते हैं पैंपर वगैरह चेंज करवाने के लिए, और वहाँ पे मेल के लिए। ये देखें ये पेरेंट्स रूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स रूम, आपको पेरेंट्स रूम दिखाते हैं। ये हमारी ट्रॉली वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें वॉश करने के लिए, बच्चे के छोटा बच्चा जो था उसके पैंपर चेंज करने के लिए, और बड़े बच्चों का पैंपर चेंज करने के लिए यहाँ पे ये
ये बने, और यहाँ पे सीट आप बैठ सकते हैं गंगा डालने के लिए। और यहाँ पे मेरे का शायद टिश्यू पेपर है, देखिए नर्सिंग एरिया बेबी चेंजिंग रूम, इतना बड़ा खूबसूरत से बनाया हुआ है। तो ये मैंने तुर्की में देखा था, तुर्की में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट था।